भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। इस दौरान जवानों को हर साल अच्छी सैलरी के साथ जवानों को मिलने वाली वो तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए भारी उत्साह है। बेरोजगारों के अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर कैडेट्स में दुर्ग अंजोरा स्थित प्रथम घोड़सवार रेजिमेंट दुर्ग और 37वीं बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों में भी सेना में भर्ती के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैडेट्स का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए अग्निपथ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेना में भर्ती होकर युवा अपना योगदान अच्छे से दे सकेंगे। जय हिंद, मैं कैडेट हिमानी साहू 37 CG बटालियन दुर्ग से हूँ। अग्निपथ योजना हम युवाओं के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी योजना निकाली गई है सरकार के द्वारा। हम NCC में तो अपना योगदान निभा ही रहे हैं, हम चाहते हैं साथ में भारतीय सैनिक सेवा में भी अपना योगदान बहुत अच्छे तरीके से निभाए। जय हिंद सर, माईसेल्फ कैडेट अनुराग कुमार यादव फ्रॉम 37 CG बटालियन NCC दुर्ग। सर, जैसा हम सब जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, और सर इस स्कीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे आर्मी की जो एवरेज एज है वो हमेशा यंग रहेगी इन कंपेरिजन ऑफ 5 टाइम्स। और सर ये लगभग सर अब हर कंट्रीज़ में अप्लाई हो रही है, जिसके कारण हम जो हमारे एनिमीज़ हैं और जो अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे कंपेयर कर सकेंगे और कंप्लीट कर सकेंगे एक हाई लेवल पे। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट कुमारी रूपा चौहान फ्रॉम VYT PG ऑटोनोमस कॉलेज, और मैं 37 NCC बटालियन की सीनियर भी हूँ। सर, अग्निपथ के बारे में अगर मैं अपनी राय देना चाहूँगी तो सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सर इससे हमारे जो जैसे कि हम भारतीय सेना को अनुशासन की बुनियाद मानते हैं, तो सर अगर हम जब बाहर सिविल लाइफ में जाएंगे उसके बाद सर, तो हम लोग देखेंगे कि हम उसके बाद कितने डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हम काफ़ी पंचुअल हो गए हैं। और सर, एक अथॉरिटी के तहत हम जब आर्मी से निकलेंगे तो हम बाहर की दुनिया में भी अपनी ड्यूटी अच्छे से दे पाएंगे। प्रथम घुड़सवार छत्तीसगढ़ रेजिमेंट अंजोरा दुर्ग के कर्नल तुषार उपासनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है, इसके तहत युवा फौज तैयार होगी। योजना के तहत आपको एक यंग प्रोफाइल की फौज, फाइटिंग फोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगी। सेकेंडली, जो युवा इसको ज्वाइन करते हैं उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि 4 साल बाद वो आइदर कंटिन्यू कर सकते हैं और वो सिविक सोसाइटी में जा सकते हैं। तो ऐसे युवा जिनकी फ़ौज से ट्रेनिंग हुई है, जब किसी भी फील्ड में जाते हैं तो एक बहुत ही बेहतर डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी होती है। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्निपथ योजना का प्रेजेंटेशन दिया था। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा, साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा।